अखंड हरिनाम शू महापुराण कथा शू महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे कार्यक्रम स्थळ लोंढरे तालुका शहादा जिल्हा नंदुरबार। और माता का नाम था पुष्कर।
राजाओं का जो है आनंद प्राप्त हो गया, चाहे जो हो जाए।
पहले बहुत वर्षों तक उन्होंने
तप किया और फिर बाद में जो है एक अद्भुत वस्तु दिखाई गई थी। कौन सी वस्तु दिखाई गई? वस्तु को देख करके वो आश्चर्यचकित रह गए, सिर हिलाया। भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए थे, इतनी अद्भुत वस्तु थी, भगवान भी चकित रह गए। जिस जगह गिरा था उसी जगह का नाम मणि धरनिका पड़ा, क्योंकि मणि गिरा था इसलिए वहां का नाम कैसा पड़ा। कान से गिरा तो कर्णिका हुआ, और जो वस्तु गिरी उसका नाम मणि था, इसलिए मणि कर्णिका क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आगे चल करके वही वहां ब्रह्मा जी ने जो है तो उसी शक्ति और शिव को जो आश्चर्यजनक वस्तु दिखाई दी गई थी वो और कुछ न होते हुए पंचक्रोशी में डूब रहे थे। ऐसा एक जो है वहां से धारा निकल रही थी, तो वो बहुत श्वेत रंग की धारा थी, समुद्र जैसा, समझ लीजिए समुद्र ही कहा जा सकता है। तो वहां भगवान विष्णु ने जो है अपने प्रकृति के साथ जो है रात्रि में विश्राम किया, रात्रि में विश्राम करने के बाद उन्हीं के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम जो है 14 भुवनों की उत्पन्न की थी। तो 14 भुवन कौन कौन से? जो पृथ्वी के नीचे के 7 लोग और पृथ्वी के ऊपर के 7 लोग। पृथ्वी के नीचे कौन से हैं? अतल, विकल, सुतल, तरतल, सतल, महातल, पाताल, सबसे जो लास्ट में है जो है वो पाताल है, और सबसे पृथ्वी के थोड़े से नीचे जो है वो अतल है। तो अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, पृथ्वी के नीचे के 7 लोग हैं, और पृथ्वी के ऊपर के जो लोग हैं वो वैकुंठ लोग, साकेत धाम आदि करके कैलाश काशी को साक्षात माने जो बनारस है अभी, उसी काशी को तीर्थ क्षेत्र को मृत्यु लोक में भेजा, तो उसी काशी को पंचक्रोशी के नाम से भी जाना जाता है। तो वही एक रूप से भगवान जो है वहाँ विचरण करते हैं, और आगे चल करके फिर वही पे रुद्र नामक रुद्र विख्यात वहाँ पे हुए। फिर आगे एक अंश से वहाँ पे रहते हुए भगवान ने विघ्नेश्वर नामक से वहाँ पे अपनी ख्याति जमाई, वहाँ पे अपना महान प्रतिभा किया। इसी प्रकार काशी में रहते हुए विघ्नेश्वर भगवान के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलकर जो आठवें ज्योतिर्लिंग से हुए उनका नाम था त्र्यंबक, जो भी नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत मधुमय है, मुझे तो गौतम नामक ऋषि थे, उनकी पत्नी थी अहिल्या। तो एक बार जो है ये दोनों पति पत्नी ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर हजारों वर्षों तक इन लोगों ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद तो वर्षों तक जो है बड़ा भय और भयानक अवर्षण हो गया वहां पे, और महान दुख में पड़ गए सब। भूतल में से वहां पे कुछ भी गीला नहीं दिखता था, सब सूखा ही सूखा नजर आता था, पानी का वहां जल का कोई प्रवेश नहीं था। और ऐसे करते हुए वहां पे ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास जितने भी मनुष्य रहते थे, पशु पक्षी आदि, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, पवित्रात्मा, ऋषिगण, सब जितने भी रहते थे वो उसी वन को छोड़ छोड़ के जो है इधर अन्यत्र निकल के चले गए। लेकिन गौतम ऋषि और अहिल्या जो है 6 महीने तक फिर से उन्होंने तप किया और वरुण देवताओं को प्रसन्न किया। हमारे इस क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पर्वत पर सब सूखा हो गया है,
सर बोली हरे हरे महादेव। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत कम लोगों में इस कथा स्वागत है। तुम लोगों में से एक व्यक्ति हो गया थोड़ा सा, ये पता है मध्यान्ह काल है। अभी तक जो है बीते छह दिनों से हम लोग रात्रि में कथा का रसपान किए जा रहे थे, तो रात्रि में बड़ा सुंदर वर्णन भी आप लोगों को सुनने को मिल रहा था, रस भी मुझे भी प्राप्त हो रहा था। और अभी जो है मध्यान्ह काल होने की वजह से हमारे सूर्य भगवान जो है तो भी कथा सुनने आ रहे हैं, उनके आने की वजह से जो है आप लोगों को कोई आलस ना आ जाए। एक बार जोर से बोलिए हरे हरे महादेव। चलो कोई बात नहीं, कथा का रस लेते हैं। तो वहाँ पे छह महीने के तप करने के बाद वरुण देवता प्रसन्न के हाथ जोड़ के विनती की, तो वरुण देवता ने कहा एक काम करो, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। तो गड्ढा खोदने के बाद गड्ढा खोदते ही वरुण देव ने जो है अपना दिव्य जल उसमें परिवर्षित कर दिया। और दिव्य जल भरने के बाद वहाँ पे उसका हरा भरा दर्शन देने आए तो गणेश जी से उन्होंने एक वर मांगा। बोले हमारे लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले ये गौतम ऋषि के लिए आप कुछ ऐसा करिए कि इस ऋषि को अपनी पत्नी सहित यहाँ से निकल जाना पड़े। मुझसे करवाइए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जो मेरे पिता को भी प्रिय ना हो। ऐसे समझाते हुए गणेश जी ने बारंबार कहा कि कोई दूसरा वर मांग लीजिए। फिर बोले कि हमको कोई दूसरा वर नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो यही चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं वर तो तुमको देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इस वर से तुम्हारी कभी कल्याण नहीं हो सकती, हमेशा ही तुम दुख ही भोगते रहोगे। जाने के बाद गणेश जी वहां से एक दुर्बल गाय को बना करके वहाँ रख दिए और वहाँ से चल दिए। जाने के बाद फिर उसी दुर्बल गाय को जो है एक गऊ को बना रहा था, बहुत ही दुबली पतली थी, जिसको कुछ खिलाने से वो मर जाए ऐसी थी। तो उसी गाय को वहाँ छोड़ करके ऋषि मुनि ने उस गाय का जगह आकर
जैसे यज्ञ क्रिया आदि हवन कर रहे थे तो बात देती वही ऋषिगण वहां पे आए, कारने लगे बोले तुम्हारे ऊपर तो बहु अच्छा पाप लगा है, तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते, हवन आदि क्रिया कर्म नहीं कर सकते, तुम यहाँ से उठ जाओ, ये नहीं कर सकते। जो वहां पे अपनी शुचि की प्रार्थना करते हुए
तो देवगिरी के ऊपर जो है भारद्वाज कुल में जो उत्पन्न है सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते हैं जिनकी पत्नी का नाम है विदेहा। इस प्रकार अपने पति के साथ वहां विचरण करते हुए पुत्र के पास गई और रात में जो है उसके शरीर के छोटे 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 टुकड़े करके एक रात में ही उठा करके तालाब में फेंक के आ गई। तालाब में फेंकने के बाद गद्दी के ऊपर सोई हुई थी और इधर जो है सुधर्मा नामक जो ब्राह्मण था वो जग गए। पत्नी को देखा तो पूरे खून से लथपथ सनी हुई वो पत्नी को देखा, बाद में छोटे से टुकड़े को देखा, मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था लोथड़ा, उसको जैसे ही देखा तो समझ गए इसने मेरे पुत्र का जो है विनाश कर दिया, उसको मार दिया। समझते ही फिर बाद में बड़ा रोए, बड़ा विलाप किया, लेकिन उस पुत्र की जो मैया थी जिसका नाम था भुष्मा, उसको कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी ब्राह्मणी थी, मणि इतनी बड़ी शिव भक्त थी कि हमेशा ही भगवान के शिवलिंग पूजा में अपनी दिनचर्या गुजारती थी। उनके लिए फूलमाला बनाना, उनके लिए रुद्राक्ष की माला बनाना आदि आदि करते हुए जल अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, पत्र अर्पित करना, फल अर्पित करना, तोये माने पानी अर्पित करना, जल अर्पित करना, दिन भर उसी पूजा में लगी रहती थी। लेकिन जब पुत्र मर गया ऐसा जब पता चला तो बोली, अरे नहीं, सबका कर्म का फल जिसको मिलता ही है, इसमें हम कोई नहीं होते हैं मारने वाले। ऐसा कहते हुए जब वो उसी के शंभू के महापूजा में लगी रही, फिर बाद में इधर जो मारने वाली प्रथम मैया थी जिसका नाम सुदेहा था वो भी विलाप करने लगी, रोने लगी, हाय रे मेरे पुत्र मर गए, हाय रे मेरा पुत्र मर गया, मारा तो उसी ने था, लेकिन सबके सामने विलाप करने लगी। और इधर जो है शिवलिंग की पूजा करते हुए जो गुष्मा नामक उस पुत्र की मैया थी वो तालाब के पास जैसे ही गई तो तालाब में से जीवंत तो उसका पुत्र उसको प्राप्त हो गया। देखा कि देखने के बाद बड़ी विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हो गई, अरे मेरा पुत्र तो मर गया था, फिर से जीवित कर दिया। तो जैसे ही तालाब के पास जाकर के पुत्र को देखा तो हाय गले से लगा लिया, आलिंगन देने के बाद फिर भगवान की स्तुतिगान करने लगी। भोलेनाथ आप जो भी करते हैं वो आप ही की तो कृपा से होता है, और तो सब मैं तो कुछ नहीं करती। क्यों? एक कवि बड़ा सुंदर गाते हैं, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। Oh,
बोल रही है प्रभु, सब तो मेरा आप ही करते हैं। देखिए भले ही मेरी सौतन या फिर मेरी बहन, उसने मेरे पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए जैसे तालाब में बहा दिए, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर दर्शित है, परिवर्षित है, इसलिए तो आज मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है। इसी प्रकार फिर बाद में भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो वर मांगो। तो उसने कहा, फिर भगवान भोलेनाथ क्रोध में कहने लगे, अरे ये तुम्हारी दुष्टा स्वतन जो है, तुम्हारे बच्चों को इसने मार डाला, अतः मैं अभी त्रिशूल से इसका वध कर देता हूँ, बस तुम मुझे इशारा करो। लेकिन उसने माफी मांगते हुए कहा, प्रभु नहीं नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षम्यताम देही, क्षमा मांगती हूँ कि मेरी बहन ने ऐसा अपराध तो जरूर किया है, लेकिन मेरा कितना सौभाग्य है कि उसने ऐसा काम किया है, इसलिए आपको आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। अगर वो ऐसा काम नहीं करती तो मैं यहाँ नहीं आती तो मेरा जीवित पुत्र भी मुझे प्राप्त नहीं होता और आपका दर्शन भी नहीं होता। तो ये सब तो मेरी बहन की कृपा से ही तो हुआ है। ऐसा कहते हुए फिर बार बार भोलेनाथ उसकी प्रशंसा करने लगे। बोले, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे तुम्हारे विचार है, बोलो और फिर उत्तमोत्तम वर मांगो। तो उसी समय घुष्मा ने वर मांगा था क्या, इत्युक्त्वाच शिवस्तत्र लिंग रूपो भवत्तत् घुष्मेशो नाम विख्यात सरश्चैव शिवालयम्। प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे नाम से या मेरे ईश्वर के नाम से स्थापित हो जाइए। दूसरी घुष्मा के नाम से वहा घुष्मेश माने घृष्णेश्वर नाम से वहा स्थापित हो गए। बोलिए श्री घृष्णेश्वर भगवान की जय। फिर आगे चलकर सुंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से घृष्णेश्वर नाम के जो शिवलिंग थे उनकी बड़ी सुंदर लीला हम लोगों ने महात्म्य श्रवण किया। फिर आगे चल करके सुना कि नागेश्वर भगवान की स्थापना कैसे हुई। फिर दारुक नामक एक भील था, उसकी पत्नी का थी दारुका। फिर वो दारुका जो थी उसने जो है पार्वती मैया की बड़ी तपश्चर्या की थी और पार्वती मैया को प्राप्त कर लिया था। तो कहती कि हे देवी, मेरे ऊपर अगर कोई भी संकट आ जाए तो आप मेरे साथ खड़ी रहे, और से उसका विस्तार था। फिर बाद में जो है वहां पे वो दारुका नाम की जो असुरी कुल में उत्पन्न जो कन्या थी, दारुक की जो पत्नी थी, वो ऋषि मुनियों को बड़ा कष्ट देने लगी और कष्ट प्रदान करते हुए सभी ऋषि मुनि जो है संतप्त हो गए, कष्ट से त्रस्त हो गए। तो त्रस्त होने के बाद उन्होंने और की ओर में शरण ली, माने सगर राजा के जो पिता थे वो और थे, उनके पास जाकर के बोले कि हमको ये दारुका नामक जो दैत्य की कन्या है वो बड़ा हमको त्रस्त कर रही है। तो बाद में और नामक राजा थे वो वहाँ गए और सबको धमकाते हुए कहा कि तुम लोगों को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, यहाँ से तुम लोगों को तहस नहस कर दूंगा, तुम सबका मैं वध कर दूंगा, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी शक्ति को जानते नहीं हो, मैं सूर्य वंश में पलने वाला एक राजा हूँ। इस प्रकार जब धमकाया तो वहाँ पे देवताओं ने धमकाते हुए जैसे ही सुना तो असुरे पर चढ़ाई कर दी। राक्षसे पर चढ़ाई करने के बाद देवताओं ने वहाँ से घुमाते हुए कहा और वो सभी राक्षस जो है इधर उधर अपना वन बिठा करके सब इधर उधर भाग गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसी तालाब के पास जो है आदि आदि करके जो सामान्य जीव थे वो अपने एक नौका में विहार करते हुए जा रहे थे, तो राक्षसगण आए और उसी नौका के ऊपर झपट पड़े और उसमें जितने भी जीव भरे हुए थे उस जीव को लेकर के कैद कर दिया गया। तो वहाँ सुप्रिया नाम से एक वैश्य प्रसिद्ध था, वो बड़ा ही भगवान भोलेनाथ का भक्त था। तो उसने जो है देखा और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए उन राक्षसियों को धमकाने लगा, बोले तुमने इन जीवात्माओं को क्यों कैद करके रखा है, अरे ये तो धर्मात्मा है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला करते, छोड़ दो बोलते हुए फिर भी असुर ने उस सुप्रिय नामक वैश्य को बड़ा मारा, धमकाया और वही फिर दारुक जो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। इधर जो
राक्षस कुली कुल की जो दारुक की पत्नी थी दारुका, वो पार्वती मैया के पास गई, बोली देवी, और उसने तपश्चर्या करते हुए पार्वती से वर मांगा कि मैं राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वो सब मिल करके इसी वन में रहेंगी। इस प्रकार जब मांगा तो वहाँ पे महासेन नामक जो राजा थे उनका पुत्र हुआ वीरसेन। तो आगे चल करके वही लीलाएं करने वाले दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करते हुए स्वयं भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। तो वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए हैं, तो उसी नाम से फिर वहाँ पे विख्यात हुए। बोलिए श्री नागेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए सूत जी आगे चल करके जो है बड़ा ही सुंदर शिवरात्रि के महात्म्य का वर्णन करते हैं। तो आइए हम आप सभी इस महात्म्य का वर्णन करते हुए सुनते हुए थोड़ा सा भजन एक बार रस लेंगे, फिर बाद में हम शिवरात्रि का वर्णन सुनेंगे। हो तेरा हेलो हेलो हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवा। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवा। पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय।
पीला सब जाना उड़ जाना पीला दुनिया है पंच पीला सब लोग उड़ जाना है पीला भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ पे आगे चल के फिर श्री सूत जी जो है अनजान में यहाँ वर्णन आया है, मैंने बोल रही हूँ, अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भिल भगवान शंकर की अद्भुत कृपा पात्र कैसे कर लेता है। और पत्नी पीड़ित थी, माता पिता भूख से पीड़ित थे, बच्चे भी भूख से पीड़ित थे। क्यों? क्योंकि पता है व्यक्ति को सब कुछ सहन होता है लेकिन पेट की भूख नहीं सहन होती। भाई मेरे से तो नहीं सहन होती, आपकी तो कोई पता नहीं सहन हो जाती है। भाई देखिए मैं मन की बात नहीं बोल रही, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसका शास्त्र का प्रमाण भी दे सकती हूँ। महाभारत में एक जगह वर्णन आया है कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम लेकिन कष्टात कष्ट करी क्षुदा। सभी कष्टों को जीव जो है सहन कर सकता है लेकिन कष्टात कष्ट करी क्षुदा, पेट की जो क्षुदा है, पेट की जो भूख है, उसको सहन नहीं कर पाता है। तो एक बार जो है जब सभी पांडवों का मृत्यु हो गया, सभी पांडवों का कौरवों का मृत्यु हो गया, पांडव जीत गए, हो जाता है कभी कभी, यदा कदो सज्जनों दुर्जनों हुआ, कभी कभी सज्जन भी दुर्जन हो जाता है तो कभी कभी विचार इधर उधर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब कौरव की मृत्यु हो गई, पांडव जीत गए, तो कौरव की जो माता थी जिसका नाम था गांधारी, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो सब माताएं हैं, जिस माताओं को रोज की ये बात पता चल रही हो कि आज तुम्हारे इतने इतने पुत्र मर गए हैं, तो क्या उस माता को भोजन जाएगा? कभी नहीं जा सकता। और जिस माता को पता चलने के बाद कि तुम्हारी पुत्र की मृत्यु हो गई है, जो मृत्यु के बाद भी जो माता बहुत अच्छी तरह के से
उत्साह पूर्वक जो भोजन कर रही है वो माता माता नहीं हो सकती, फिर वो तो कुमाता होगी। माने उसको कभी, उसने कभी किसी पुत्र को जन्म ही ना दिया, ऐसी फिर वो रह सकती है। इस प्रकार इधर जो है गांधारी को रोज पता चलता था कि भाई मेरे आज इस पुत्र की मृत्यु हुई है, कल इस पुत्र की मृत्यु हुई है। और जब लास्ट में पता चला कि आज मेरे सारे कौरवों का नाश हो गया है, मेरे 100 कौरवों का जो है मृत्यु हो गया है, जैसे ही पता चला तो पुत्र को देखने की इच्छा से वही गांधारी जो है युद्ध भूमि पर आ गई। युद्ध भूमि पर आने के बाद जो है एक एक पुत्र को देख रही है, कौन सा मेरा पुत्र है। तो जो है पुत्र को देखने से पहले जो है सामने में उसको एक बेर का वृक्ष दिखाई गया। बेर जानते, बेर। तो बेर का वृक्ष देखते ही जो है उसकी ओर जो है क्षुधा बढ़ने लगी, पेट में भूख दौड़ने लगी। हम बोलते हैं ना चूहा दौड़ने लगा, तो इस प्रकार भूख रूपी चूहा जब दौड़ने लगा तो बेर के पेड़ को देखते ही वहाँ पे आदि आदि प्रकार के फल जैसे लगे थे, फलों की ओर देखते मुँह में पानी आने लगा। तो जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगी, फिर जैसे ही पैर तोड़ने के लिए गई तो हाथ नहीं जा रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था, बेर को तोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि कद में कमी थी, मेरे जैसे समझ लो। तो कद में कमतरता होने की वजह से एक प्रेत ओढ़ के लाई, और उस देह को प्रेत को जैसे ओढ़ के लाई उसको समझ नहीं पाई ये कौन है। तो वो और दूसरा कोई ना होते हुए वो प्रथम पुत्र दुर्योधन था, फिर उसके ऊपर खड़ी हो गई और बेर तोड़ने लगी, फिर भी हाथ नहीं आ रहा था। तो फिर दूसरे पुत्र को ओढ़ के लाई और फिर उसी के ऊपर रख दिया, तो और दूसरा कोई न होते हुए वो दुशासन था। इस प्रकार पांचों पुत्रों को और एक रखते हुए खड़ी हो गई, बेर तोड़ा और जैसे ही खाएगी उतने में भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोले बुआ श्री क्या कर रही है, इतनी युद्ध भूमि में बेर खा रही है क्यों। बोले वासुदेव जरा कष्टम। अरे वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, मैंने इस वृद्धा अवस्था को प्राप्त करने के बाद, इस वृद्धा अवस्था में आने के बाद जो कष्ट मिलता है वो भी मैंने सहन किया है। वासुदेव जरा कष्टम, जरा मैंने वृद्धावस्था, फिर बाद में जो है वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम। फिर वृद्धावस्था आने के बाद जो है पांडवों ने मेरे पुत्रों के साथ युद्ध किया और उनसे सारी संपत्ति छीन ली, तो इतना धनहीन होने के बाद भी मैंने उस कष्ट को सहन किया। फिर बाद में धनहीन होने के बाद पुत्र शोक महाकष्टम, सबसे जो महाकष्ट हुआ वो मेरे पुत्र को मार दिया गया। इतना भी बड़ा कष्ट मैंने सहन कर लिया, लेकिन कष्टात कष्ट करी क्षुधा, ये क्षुधा मेरे से सहन नहीं होती, इसलिए मैं ये बेर खा रही थी। कहने का तात्पर्य यही है कि क्षुधा किसी से सहन नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ पे माता पिता, उस भील के गुरुद्रह के माता पिता, पत्नी बच्चे आदि सब भूखे भयंकर बैठे हैं, उसको वन में भेज दिया, जाओ हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आओ। तो वही बेचारा व्याध जो है वन वन भटकने लगा, और उसी समय उसी दिन उसको पता नहीं था आज शिवरात्रि है, तो वहाँ तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृग आदि का शिकार करके वन में घूम रहा था। तो दैव योग से उसी दिन उसको उसी दिन सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरे होने के बाद वो एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद उस पास में एक जलाशय था, तालाब था। जलाशय के पास एक हिरणी आई, जैसे ही जल पीने के लिए उद्यत हुई तो वहां जो है इसको जैसे ही पता चला, अरे यहाँ पे कोई ना कोई तो आया होगा जिसका मैं शिकार करूंगा और मेरे पत्नी बच्चों माता पिता को खिलाऊंगा। इस प्रकार जैसे ही विचार करके बाण जो है धनुष पे संधान किया, और जैसे ही उसका प्रहार करता उसी समय वो हिरणी बोलने लगी। बोले अरे व्याध, मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे घर मेरे पति देव अकेले हैं, मेरी स्वतन भी, मेरी बहन भी है, इतना ही नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तो धन्य मानती हूँ अपने आप को कि मेरा शरीर तुम्हारे काम तो आएगा, तुम्हारे पत्नी बच्चों के पेट तो भरेंगे, लेकिन अपने आप को धन्यता देते हो, मेरे ऊपर एक उपकार कर दो क्या।
बोले काम कर दो मेरे ऊपर कि मैं जब तक वापिस ना आऊं, मेरे पतिदेव, मेरी बहन, मेरे बच्चों को वापिस कह के ना आऊं, तब तक मुझे मत मारो। फिर मैं आपने कहा भाई मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, तुम अगर चली गई तो फिर वापिस आओगी नहीं आओगी कैसे अपना विश्वास दिला सकती हो। बोली अगर मैं सच कहती हूँ क्योंकि सत्य से ही अभी तक धरती टिकी हुई है, शेषनाग के ऊपर जैसे धरती सत्य से ही टिकी हुई है, इतना ही नहीं अपने इतना बड़ा समुंदर अपनी मर्यादा पार नहीं करता है तो उसका कारण केवल सत्य है। इसी प्रकार बोलते हुए सीता सत्य न धरणी सत्य नहीं वच वारिधि सत्य न जलधाराश्च सत्यम सर्व प्रतिष्ठितम। यह इतना सब कुछ जो चल रहा है वो केवल सत्य के बल पर ही तो है। तो उसी प्रकार उस व्याद ने विश्वास किया, बोले जाओ जाओ। तो मुर्गी चली गई और व्याद जो है विश्वास पूर्वक वहां बैठा रहा। तो व्याद जिस वृक्ष के ऊपर बैठा था वो वृक्ष जो है भगवान शिव को सबसे प्यारा जो है पत्र का वृक्ष वृक्ष था, और उसके नीचे जो है बेलपर्ण का वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित थी। तो उसने जैसे ही बाण का संधान करते हुए वो वृक्ष हिला, तो हिलने के बाद जैसे वो बेल जो था वो नीचे गिर गया, वो शिवलिंग के ऊपर जा करके गया, एक प्रहर में गिरा। तो उसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे बिंदु जैसे नहीं ठंड में रात में जब आप देखेंगे ठंडी के समय में वृक्ष के जो पत्र होते हैं उसके ऊपर जल के बिंदु होते हैं छोटे छोटे से, तो जैसे वो बिंदु टपका और टपकने के बाद वो पत्र भी गिरा तो वहीं पे उसकी एक पूजा लागू हो गई रात के प्रहर में। फिर बाद में जो है दूसरी मृगी जो पहले हिरणी की बहन आई थी, तो अब दूसरी हिरणी आ गई, तो जैसे ही उस तालाब के ऊपर जलाशय के पास पानी पीने गई तो इसको जैसे ही पता चला कोई ना कोई तो आया है, फिर जो है धनुष के ऊपर बाण संधान किया और जैसे प्रहार करने वाला था, हिरणी बोली मुझे मत मारो क्यों, मेरे घर में मेरे पतिदेव है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक उनको कह के वापस ना आऊं तब तक मत मारो। व्याद बोला एक पहले ऐसी एक हिरणी आई थी जो कह के मुझे वापस गई है लेकिन अब तक वापस नहीं आई, तो क्या करूं मैं, कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं। बोले मैं वचन देती हूँ, वचन देकर जाती हूँ, मैं कभी पलटूंगी नहीं, वो अपने अगर मैं पलट गई अपने वचन से विमुख हो गई तो मेरा सारा पुण्य हार जाऊंगी, सारा पुण्य मैं नरक में चली जाऊंगी। इस प्रकार जब बोली तो वहाँ पे व्याद ने फिर विश्वास किया, बोले जाओ चली जाओ चली जाओ। इस प्रकार जब कहा तो वो मुर्गी चली गई और बाद में जो है फिर वही व्याद एक फिर उसी वृक्ष के ऊपर आके बैठ गया। तो दूसरा प्रहर लग गया था, तो दूसरे पर प्रहर की वजह से जब उसने धनुष रख दिया तो फिर एक पत्ता फिर नीचे गिरकर उसी शिवलिंग के ऊपर गिर गया। तो पत्ता गिरते ही फिर दूसरी उसकी पूजा लागू हो गई और फिर तीसरा प्रहर लगा आरंभ होगा। फिर उसी दोनों हिरणी के जो पति थे मृग माने हिरण, वो फिर जलाशय के पास पानी पीने के लिए आया। बड़ा ही धष्ट पुष्ट वो हिरण था और उसको देख करके तो व्याद तो ललचा गया, बोले अरे इसी धष्ट पुष्ट हिरण के अगर मैं शिकार करके मेरे घर पे ले जाऊँ तो माता पिता मेरे पत्नी बच्चे सब खुश हो जाएंगे और एक दिन नहीं तो दो दिन मुझे भोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार फिर उस प्रारब्धवश जैसे ही फिर बाण संधान करने लगा तो फिर वही बिल्व पत्र जो है शिवलिंग के ऊपर तीसरा बिल्व पत्र गिर गया। सौभाग्य से उसका तीन प्रहर की पूजा उसकी हो गई। इस प्रकार जब वहाँ मृग ने कहा हाथ जोड़ के, हे व्याद कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत धन्यता देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा धष्ट पुष्ट शरीर तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे पत्नी बच्चों की भूख व्याप्त होगी उसमें। और इस प्रकार जब कहा तो बोले काम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दो मेरी पत्नियाँ हैं, उनको समझा के मैं वापिस आ जाता हूँ। बोले दोनों हिरणियाँ ऐसे ही चली गई, अब मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूँ। बोले कि संध्यायां मैथुने ग्रस्त्रे शिवरात्र्यां च भोजने कूटसाक्षे निसाहारे संध्याहीने द्विजे तथा। क्या बोल रहा है देख लो, कि संध्या काल में मैथुन करने पर और शिवरात्रि के दिन भोजन करने पर जो पाप लगता है वैसा ही पाप में अगर मैं ना आऊँ तो मुझे लग जाए,
इस प्रकार जब बोला तो व्याध ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, तुम चले जाओ चले जाओ। इस प्रकार वो मृग भी चला गया। इधर व्याध अकेला बैठ करके जो है सबकी प्रतीक्षा कर रहा है, और जेठी रानी जो थी मतलब बड़ी हिरनी जो थी वो फिर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तीनों पति पत्नी जो है आपस में बोल करके, एक तो कह रही मैं जाऊंगी, दूसरी कह रही मैं जाऊंगी। हिरन कह रहा है नहीं नहीं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चों को तो माता की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तुम दोनों रहो मैं जाती हूँ। इस प्रकार फिर जब सब आ गए तो उनके पीछे पीछे बच्चे भी आ गए, तो बच्चों को देख करके फिर जैसे ही उस व्याध ने धनुष बाण की प्रहार करने की सोची तो धक्का लगते हुए प्रारब्धवश फिर एक बिल्व पत्र गिरकर उसी के ऊपर रह गया, कहा शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। फिर बाद में जो है इतना सुंदर पति पत्नियों का प्रेम देखते हुए जो है यहाँ भगवान भोलेनाथ, क्योंकि चार प्रहर से चार बिल्व पत्र जो है उस शिवलिंग के ऊपर प्रारब्धवश उस व्याध से गिर गए थे, तो चौथा गिरने पर ही भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रसन्न हो गए और दर्शन देने लगे। बोले अरे श्रृंगवेपुर में मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, प्रसन्न होता हूँ और मैं तुमको वर स्वरूप देता हूँ कि तुम श्रृंगवेपुर के राजा बनोगे अगले जन्म में, जिस राजा बनने के बाद तुमको साक्षात प्रभु रामचंद्र की सखित्व माने मित्रता प्राप्त होगी और उनके तुम में बहुत दिनों तक तुम उनके साथ रह पाओगे, उनका दर्शन कर पाओगे। तो राजधानीम समाश्रित्य श्रृंगवे पुरम परम वहाँ रहोगे। इतना ही नहीं अनपाया वंश वृद्धि ही शालाग्नीय सुरैरपि गृहे रामस्तव व्याध समायास्तति निश्चितम। इस प्रकार तुम वहाँ रहोगे। तो वहाँ भगवान फिर अर्बुद पर्वत पर जो है व्याधेश्वर नाम के रूप में प्रसिद्ध हुए और वही बैठ गए। इस प्रकार बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यहाँ फिर शिवरात्रि का महात्म्य सुनाते हुए यदक्षरम पदम भ्रष्म भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देई प्रसीद परमेश्वरी। यहाँ पे आज श्री शिव महापुराण रूपी इस अमृतमय कथा का यहाँ पे विश्राम करते हुए देवी मैया भवानी देवी और साक्षात भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु खंड हरिनाम शु महापुराण कथा शु महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे कार्यक्रम स्थल लोंढरे तालुका शहादा जिल्हा नंदुरबार।